तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर, त्रुटि क्या होता है, ठीक है। और आपका EIM का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है, इसके पहले आपके दो वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, त्रुटि। देखिए, त्रुटि को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कमी, ठीक। त्रुटि को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, कमी। देखिए, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान बाब मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। अब आपका त्रुटि क्या होता है, देखिए, किसी भी जो भौतिक राशि है, किसी भी जो भौतिक राशि है कोई भी, तो उसका जो असली में मान है, असली में जो मान है और जो हमने मान उसका मापा है, नापा है या फिर, ठीक है, जो मान उसका असली में है और जो मान उसका हमने मापा है, तो उन दोनों के बीच में जो आपका थोड़ा भी अंतर आ जाता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं त्रुटि, ठीक। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, त्रुटि। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान बा मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, आपको पूरे YouTube पर इससे सरल भाषा में कहीं पर नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक। बड़े ही आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में क्लियर की जाएगी। और देखिए, एरर आप अच्छे से पढ़ें, आपसे हर साल 4 या 5 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर से आता है एरर से। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इस चीज़ को समझें, ठीक। 4 या 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से निकल कर आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यदि मापन मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जो आपने मान मापा है अगर वो ज़्यादा है तो आपकी त्रुटि या एरर धनात्मक होगी, मतलब प्लस में होगी, ठीक। किस में होगी, प्लस में। और यदि मापन मान अपेक्षाकृत कम होता है तो आपकी त्रुटि जो होगी वो माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप एक बार और पढ़ लें कि यदि मापन मान, जो हमने मान मापा है, अगर वो ज़्यादा होगा तो आपकी त्रुटि जो एरर है वो आपका प्लस में होगा। अर्थात इसके बाद क्या है, जो मान हमने मापा है अगर वो आपका कम होगा तो आपकी त्रुटि माइनस में होगी। अब आप इस चीज़ को देख लें, ये चीज़ आपको ज़रूर से लिखनी है एग्जामिनर को समझाने के लिए, ये चीज़, ठीक है। मापन मान, मापित मान माइनस वास्तविक मान बराबर आपका क्या होता है, प्लस माइनस त्रुटि। इसका मतलब क्या है, अगर आपके मापित मान में से वास्तविक मान को घटाएं तो हमारी क्या, प्लस माइनस त्रुटि निकल कर आती है। यदि आपका मापित मान बड़ा है वास्तविक मान से, यदि आपका मापित मान बड़ा है वास्तविक मान से तो आपकी प्लस में त्रुटि होगी, ठीक। अगर आपका मापित मान छोटा है वास्तविक मान से तो आपकी माइनस में त्रुटि होगी। इस वाले चित्र का आपका मतलब क्या होता है, सभी लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें, इस चित्र का जिस साइड भी मुँह खुला रहता है उस साइड की संख्या बड़ी होती है, और जिस साइड का मुंह आपका बंद रहता है उस साइड की संख्या छोटी होती है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, मापित मान बड़ा है और वास्तविक मान छोटा है, जब भी ऐसी आपकी कंडीशन बनेगी तो आपका प्लस में एरर आएगा, त्रुटि, ठीक। और अगर आपका मापित मान और वास्तविक मान दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपकी जीरो त्रुटि है, ठीक। आपकी बिल्कुल भी किसी उसकी इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसके बाद इसका आप डायग्राम देख लें, ठीक। आपको इस तरह से इसका डायग्राम बनाना है कुछ। देखिए, टाइप ऑफ त्रुटि, सबसे ऊपर आपको लिखना है कि आपकी त्रुटि कितनी प्रकार की होती है। यहाँ पर आप लिखेंगे त्रुटि, आपकी त्रुटि जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी क्रॉस एरर, दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर, और आपका तीसरा होता है रैंडम एरर, ठीक है। आपके जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं इसके अंतर्गत आपके 3 एरर और आते हैं। पहला होता है ऑब्जर्वेशन एरर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर और इन्वॉल्वमेंटल एरर, ठीक। इसके बाद हम इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ सही कर ले, आपका यहाँ पर क्रॉस नहीं है, ग्रॉस है, GROSS, ठीक है। इसके पहले वाले में भी आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पर क्रॉस नहीं है, ग्रॉस है, GROSS एरर। ग्रॉस एरर मतलब आपका क्या होता है, फिक्स एरर होता है, ठीक। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकल त्रुटि, सकल त्रुटि। यह त्रुटि परिपथ की अपेक्षा से उत्पन्न होती है, आपकी जो ग्रॉस एरर होता है ये आपकी परिपथ की उपेक्षा से उत्पन्न होती है, अर्थात वित्त त्रुटि जो मापन के समय उचित तरीकों से अनुचित तरीकों से उत्पन्न हो जाती है उन्हें अनुचित सकल या ग्रॉस एरर कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, मतलब कि किसी भी जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें मापते समय, ठीक, किसी भी चीज़ का मापन करते समय जो अनुचित रूप से आपकी जो त्रुटि उत्पन्न हो जाती है उसको हम कहते हैं सकल त्रुटि, अर्थात ग्रॉस एरर, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवस्थित एरर, व्यवस्थित त्रुटि। वे त्रुटियां जो किसी क्रम अथवा प्रणाली पर निर्भर करती हैं, वे त्रुटियां जो किसी क्रम अथवा प्रणाली पर निर्भर करती हैं और इनकी प्रणालियों के सिद्धांतानुसार सुधारा जा सकता है, उनको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक।
वे त्रुटियां जो किसी क्रम अथवा प्रणाली पर निर्भर करती है और इनकी प्रणाली के सिद्धांत अनुसार सुधारा जा सकता है, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। देखिए जिस तरह आपने चार्ट में देखा था, जो सिस्टमेटिक एरर है आपका व्यवस्थित एरर, उसके अंतर्गत आपके तीन एरर और आते हैं, ऑब्जर्वेशन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और आपका एनवायरमेंट एरर। देखिए इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन एरर। ऑब्जर्वेशन एरर क्या होता है? अवलोकन संबंधी त्रुटि, अवलोकन संबंधी त्रुटि। यह क्या होता है? देखिए यह पॉइंटर की छाया के द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात वे त्रुटियाँ जो असावधानी या अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है उन्हें हम ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। इसको आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप मान लें आपका जो पॉइंटर है, जो आपकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें आपका इस तरह से पॉइंटर जो होता है, ठीक। अब इसकी जो छाया आपकी जी पड़ रही है, ये छाया जो इसकी ये पड़ रही है, इसके कारण हम एकदम देख लेते हैं आपका जो पॉइंटर है वो आपका है यहाँ पर और आपका छाया के कारण आपका यहाँ पर दिखता है। तो इसकी जो छाया के कारण, जो आपकी असावधानी या अज्ञानता के कारण जो आपकी त्रुटि या एरर उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन एरर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब आपके जो उपकरण है उसी में कोई कमी हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर या उपकरण की कमी, यह त्रुटि हिस्टेरेसिस या फ्रिक्शन, हिस्टेरेसिस या फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न होती है, फ्लक्स की कमी के कारण, स्प्रिंग की प्रत्यास्थता के कारण या इंस्ट्रूमेंट एरर के कारण, इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाती है, ठीक। आपकी जो फ्रिक्शन में अगर किसी कमी है, फ्लक्स की कमी के कारण उत्पन्न हो जाती है, आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर, स्प्रिंग की प्रत्यास्थता के कारण और इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाती है, ठीक है। जो आपकी स्प्रिंग की प्रत्यास्थता क्या है, आपकी जो स्प्रिंग होती है वो समय के साथ साथ क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, तो उसके कारण भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट एरर उत्पन्न होता है। इसके बाद सिस्टमेटिक एरर में आपका तीसरा एरर आता है एनवायरमेंट एरर, पर्यावरण संबंधी त्रुटि। मतलब मौसम के साथ आपका कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो मौसम के साथ उसमें कोई कमी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट एरर इसमें आ गया है, ठीक है। तापमान तथा वायुमंडलीय दाब के कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। एनवायरमेंट आपकी एरर किसके कारण उत्पन्न होता है? तापमान तथा वायुमंडल दाब के कारण ये एरर उत्पन्न होता है, अर्थात उपकरण की कुछ बाहरी स्थितियों के कारण पर्यावरण त्रुटि होती है। बाहरी स्थितियों में मुख्य रूप से दबाव, तापमान आदि आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, पर्यावरण संबंधी एरर या त्रुटि। इसके बाद आता है आपका तीसरा रैंडम एरर, ठीक। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम या रेसिडुअल एरर, ठीक। आपका ये क्या होता है? यह बहुत कम मात्रा में मान को प्रवाहित करता है, मतलब कि इस एरर के कारण आपके मान में बहुत कम मात्रा में एकदम चेंज आता है। यह बहुत कम मात्रा में मान को प्रवाहित करता है, आमतौर पर इसका कारण पता नहीं चल पाता है। आपका जो रैंडम एरर होता है इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि एग्जिट ये होता किसके कारण है, तो इसी को हमने इसलिए नाम दिया है रैंडम एरर, ठीक। यह बहुत कम मात्रा में प्रवाहित करती है मान को, और आमतौर पर इसका कारण पता नहीं चलता है, ठीक। इसका पता नहीं चलता है कि आपका किसके कारण होता है, ये अचानक से ही गणना में आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एरर, आपके जो उपकरण में आपके उपकरण ख़राब होते हैं तो उनमें उत्पन्न होने की समस्या क्यों आती है, सोर्स ऑफ एरर किसके कारण आती है। मापन में त्रुटि के जो आपके एरर हैं उसके बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आपका पहला क्या होता है? देखिए आपका सबसे पहले आपका सोर्स ऑफ एरर क्या है? टेम्परेचर प्रॉब्लम, टेम्परेचर मतलब तापमान समस्या, ठीक। रिस्पॉन्स टाइम प्रॉब्लम, प्रति उत्तर की समस्या, रिस्पॉन्स टाइम प्रॉब्लम, ठीक, आपका दूसरा सोर्स हैगा। और तीसरा आपका है नॉइज़ प्रॉब्लम, चौथा है आपका एनवायरमेंट प्रॉब्लम, पर्यावरण की समस्या, ठीक। पाँचवा आपका आता है ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम, प्रेक्षण की समस्या। छठवां आपका आता है प्रॉब्लम ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट, ठीक, उपयंत्र के खराब के कारण उत्पन्न समस्या। मतलब आपका कोई भी उपकरण जो है वो खराब हो चुका है, उसके कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एरर कहते हैं। तो आपके टोटल 6 हैं सोर्स ऑफ एरर, इसको भी आपको इसी में लिखना है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा एरर के बारे में, आपकी त्रुटि क्या होती है, और देखिए इस चीज़ को भी आप सही कर लें, आपका ये क्रॉस नहीं है, ग्रॉस है, GROSS, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से सही कर लें, और आशा करते हैं आपको आज का वीडियो लेक्चर जो कि समझ में आया होगा, और आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का वीडियो लेक्चर ज़रूर से देखें, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के वीडियो लेक्चर में आप ज़रूर से देखें। और देखिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके जो थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके जो थर्ड सेमेस्टर में बैक अधिकतर आती हैं आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, मशीन में, और EIM और आपकी जो मैथ थर्ड है,
ट्रिपल ईएम और ईएस बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, आप मान के चलें आपके टोटल कितने 4 सब्जेक्ट है केवल, ईआईएम मशीन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और मैथ थर्ड। आपके ईआईएम और ईएस बहुत ही इजी सब्जेक्ट हैं, बहुत इजी, बहुत ही कम लोगों की इन दोनों सब्जेक्ट में बैक आती है। तो आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करते हुए अभी से चलें ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें, और जो भी जिनकी बैक है वो ज़रूर से तैयार करें, जो जिन लोगों की बैक है वो अभी से तैयारी करना शुरू करें अपनी बैक क्लियर करने की, और वो कोशिश करें कि उनकी सारी बैक क्लियर हो जाए 5th सेमेस्टर में। और जो लोग अभी 3rd सेमेस्टर में आए हैं तो उन लोगों को पूरी पूरी कोशिश करनी है, पूरी पूरी कोशिश करनी है कि उनकी बैक ना आए, ठीक है, क्योंकि देखिए बैक करना 3rd सेमेस्टर की बहुत ही मुश्किल होता है क्लियर करना, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्ते।